हेलो दोस्त, राधे राधे। आई हो आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो हैप्पी हूँ भाई। तो हम सुबह आ गए थे भाई यहाँ पर 9:30 बजे ससुराल से लौट कर। ब्लॉग इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि भाई वहाँ पर बिजली की समस्या थी, मोबाइल में बैटरी वगैरह नहीं थी। और कल जो भी हमने मोबाइल चार्ज किया था भाई, उससे हमने ब्लॉग वगैरह एडिट कर लिया था भाई। हमारा मोबाइल था डिस्चार्ज, इसलिए हमने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं की। और सुबह घर आकर मैं अपने सीधे काम पर चला गया। अब घर आ चुका हूँ और शाम के बज चुके हैं 5:36। शिवम ही रहा, कुछ भी रही, मस्त मौसम है भाई, सुहाना। ये देखो भाई, सूरज हो रहा है बादलों के पीछे, जो हल्की हल्की रोशनी दे रहा है। मौसम इस टाइप का है भाई। पेड़ भी मस्त खुश हो रहे हैं भाई, मस्त हवा चल रही है। ये देखो फ्रेंड, कितनी मस्त हवा चल रही है भाई। आसमान में हल्के हल्के बादल हैं और आज भी भाई हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी हल्की। पता नहीं भाई शिवम का ही कह रहा है भाई। अच्छा, जो कह रहा है पेड़ बड़ा हो गया है, उसकी वीडियो बनाओ। पेड़ बड़ा हो गया मामा है भाई। मामा क्या अच्छा लग रहा हो तुम? अच्छा, क्या कह रहा हूँ, बढ़िया लग रहा हूँ तो मामा क्या। लेकिन बिजली की बड़ी समस्या थी भाई, रात में बहुत थी तो मच्छर खा रहे थे भाई वहाँ पर। वैसे बहुत सुविधा थी लेकिन का ही करे भाई, सुथरा थोड़े दिनों की ही होती है, एक दो दिन अच्छा ही लगता है भाई, ज़्यादा दिन रहते हैं ना तो रिश्तेदार भी बेकार लगने लगते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा था भाई और हमने बहुत सारी चीज़ें ब्लॉग में मिस की, जैसे कल बुजरियाँ थी भाई, उसका वीडियो नहीं बना पाए हम लोग। क्या रक्षाबंधन के बाद बुजरियों का विसर्जन होता है, उनका विसर्जन करके भाई एक दूसरे से राम राम की जाती है, यानी एक दूसरे को बुजरियाँ दी जाती है। जो छोटे होते हैं वो बड़ों के पैर छीती हैं और जो बड़े होते हैं वो छोटों को आशीर्वाद देते हैं। यही सब चलता है भाई हर त्यौहार में, तो एक मेल जोल हो जाता है भाई। तो हम वो चीज़ मिस कर गए भाई। आप लोगों को बुजरियों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भाई, बुजरियों की राम राम। हम नहीं कर पाए आप लोगों से, ना ही ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखा पाए। तो बहुत सारी चीज़ें मिस की भाई, लेकिन हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं अपने। और थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाइए भाई, आपके भाई के चैनल पर भाई 400+ वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। और ऐसी बात नहीं कि हम अच्छा ब्लॉग नहीं बनाते, ऐसी बात नहीं कि हम अच्छा थंबनेल नहीं बनाते, ऐसी बात नहीं कि हम अच्छा टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते भाई, हम सारी चीज़ें बढ़िया करते हैं। लेकिन फिर भी भाई आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसी चीज़ से भाई मैं बहुत दुखी हूँ भाई। इतनी मेहनत करने के बाद भी भाई मेहनत का फल नहीं मिल रहा भाई। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यूट्यूब सब छोड़ो भाई, बहुत मेहनत हो जाती है भाई। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक भाई अपना काम करो, फिर उसके बाद ब्लॉग वगैरह एडिट करो भाई। रात के 1-1, 2-2 बज जाते हैं ब्लॉग एडिट करने में भाई। सुबह फिर 6 बजे जाग जाओ भाई, नींद भी पूरी नहीं हो पाती भाई। अभी भी आप देखो मेरी आंखें लाल है, कल पूरी रात नहीं सोया भाई। एक ही टेंशन लगी थी कि ब्लॉग एडिट करना है और अपने चैनल पर अपलोड करना है, फिर दूसरा ब्लॉग शूट भी करना है भाई। बहुत सारी टेंशन होती हैं भाई। एक यूट्यूबर बनना आसान नहीं है भाई, बहुत ही मुश्किल होता है यूट्यूबर बनना। यूट्यूब पर जो वीडियो बनाता है ना, वही समझ सकता है इन चीज़ों की, एक बंदा कितनी मेहनत करता है। सबसे पहले भाई एक टेंशन होती है, उसको ब्लॉग शूट करना है, फिर उसको एडिट करना है, एडिट करने के बाद भाई उसका टाइटल थंबनेल सोचना है भाई, उसके बाद उसको अपलोड करना है भाई। और जब व्यूज नहीं आते ना भाई, तो डिमोटिवेशन हो जाता है भाई, ऐसा लगता है कि का ही कर रहे हैं भाई। और किसी को बता भी नहीं सकते भाई, बताते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं भाई, इससे का ही होगा। लेकिन आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाइए भाई, और आप देख लो मेरे थंबनेल, मेरा टाइटल भाई, फिर भी व्यूज नहीं आते। देखो भाई कितने सारे कबूतर उड़ रहे हैं भाई आसमान में भाई। शिवम कहाँ बैठा है? और देखो भाई ये हमने कपड़े भी धो के डाल दिए हैं, मतलब हमने नहीं, शिवम की मम्मी ने कपड़े भी धो दिए हैं भाई। एक कपड़े मैं यहाँ से पहन के गया था भाई, दूसरे दिन मैंने साले के कपड़े पहन लिए थे भाई, वो भी ब्लॉग मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप उसको जाकर देखना भाई, प्यार और सपोर्ट दिखाना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाओ भाई। मेरे बच्चे कितने खुश होते हैं भाई, ये देखो। नाश्ता कौन कौन ने करो तो भाई साहब 70 रुपए का नाश्ता कर गए, कंगाल कर दिया। कितना पैसा खर्च हो गया मैं आपको का ही बताऊं भाई, ना कितने पैसा खर्च हो? 1000 नहीं भाई, मेरा 1500 से 2000 रुपए खर्च हो गया भाई। पर तुमने इतनी महंगी पड़ती है भाई ससुराल, बताओ बच्चे वहाँ पे भी पैसा, पापा पैसा मना नहीं कर पाते भाई। ये कपड़ा उठा रहे हैं भाई, ये देखो। अब भाई दूसरी ससुराल भी जाना पड़ेगा इनको भाई, मतलब जी अपने मायके जाएंगे। ये मेरी पहली ससुराल थी। ओपी भाई ने कमेंट किया था कि आपकी दूसरी ससुराल का काही मतलब है भाई। भाई इसका मतलब है कि मेरी 2 शादी हो चुकी हैं, मेरी 2 ससुराल है। ये ससुराल गया, ये मेरी पहली ससुराल थी,
और इनका मायका है ना भाई, अब वो मेरी दूसरी ससुराल है, लेकिन इनके मायके हम जाते नहीं है भाई। देखो खुशबू की जो फ्रॉक है, फ्रॉक की वो है क्या बोलते जाए, कोटी। पापा बेटा इसके बाद मेरे को मोबाइल दिखाना। अच्छा मोबाइल देखोगे? नहीं। इन बच्चों से भी बहुत परेशान हूँ भाई, ये मोबाइल में बैटरी नहीं रहने देते भाई। अब दूसरे मामन के को जाओ जी, बताओ। अपन नहीं जाएंगे, अपन तो पापा के मामन गए। मेरे मामन के काले होते हैं। अब जो कह रहा हूँ मैं, अपने मामन के नहीं जाऊंगा, पापा के मामन के जाऊँ। खुशबू तुम जाओगे अपने दूसरे मामन के? अपन नहीं जाते। पता नहीं भाई ये दूसरे मामन के क्यों नहीं जाती। मैं भी नहीं जा रही थी, मैं जा रही नहीं थी, तुम जा रही थी। इसको जबरदस्ती लेके गया था भाई, ये मामा के जा ही नहीं रही थी भाई। पता नहीं इनको मामा अच्छे क्यों नहीं लगते, लेकिन इसमें हम तो जा रहा है। लेकिन अब ये दूसरे मामा के यहाँ तो मैं भी नहीं जाता, ये भी नहीं जाता। मतलब मैं अपनी दूसरी ससुराल नहीं जाता भाई, उनसे मेरा 36 का आंकड़ा चल रहा। अपनी मामा से अब जाते नहीं है, अपन भी नहीं जाएंगे, अपन भी नहीं जाएंगे। आप चुप चुप स्टॉप, अल्लाह नहीं। माछी बग माछी बग माछी बग वीडियो खराब कर रही है। बग 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 तू दो दो बना नहीं कर रहा। अरे यार मच्छी आ रही है, मच्छी आ रही है, बाहर दे रहे गल मतलब ले आ दे रही है। फ्रेंड ये दो शादियों का ही मैटर है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा भाई। मेरे साथ जिंदगी में इस छोटी सी उम्र में भाई बहुत सारी चीजें घटित हुई है, इसलिए मेरी दो शादी हुई है। बहुत लंबी स्टोरी है भाई, कभी कभी भाई ये सारी चीज़ें मतलब अपने पास्ट को सोचकर भाई आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पास्ट को सोचूं और अपना फ्यूचर ख़राब करूं भाई, मतलब भाई वर्तमान अपना ख़राब करूं भाई। मैं इसलिए पिछली चीज़ों को ज़्यादा नहीं सोचता। चुप रहने का अब चुप चुप रहो, ब्लॉग बना लो बस। मैं पिछली चीज़ों को भाई याद करना नहीं चाहता। जो भगवान ने किया वो अच्छे के लिए किया, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए होगा, जो आगे भी होगा वो भी अच्छे के लिए होगा भाई। इसलिए भाई मैं पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, आने वाली चीज़ों के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचता। जो आज चल रहा है मैं उसी में खुश हूँ भाई। और ये दो दो शादियों का ही मैटर है, वो किसी और वीडियो में बताऊँगा, बहुत लंबी कहानी है भाई। ठीक है तो भाई आज के ब्लॉग को अपन इतना ही रखते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर कमेंट कर देना, प्लीज प्लीज भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, ओके बाय बाय।